आशा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों के लिए डिमांड पर चने के दाल का पराठा बनाने जा रही हूँ, जिसे हमारे यहाँ तलभरी पूड़ी भी कहते हैं। इसलिए मैंने सोचा मेरे स्टाइल में चने के दाल का पराठा आपको बनाकर दिखाया जाए। जिसके लिए हमको लेना होगा सबसे पहले चने की दाल भिगाया हुआ, हमने इसको 2-3 घंटा पहले भिगा दिया था। फिर इसको तड़का लगाने के लिए हरी मिर्ची कटी हुई, थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ टुकड़ा, नमक स्वाद अनुसार, धनिया की पत्ती, थोड़ी सी हल्दी, जीरा और लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हींग। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को फ्राई करेंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा कुकर में तेल डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, फिर थोड़ा सा हींग डालूंगी, क्योंकि हींग डालने से चना की बादी को कम करता है। फिर थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, थोड़ी हरी मिर्ची, इसको धीरे धीरे चलाऊंगी। धीरे धीरे इसको चलाती रहूंगी। इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची, मसाले को अच्छी तरह इसमें भूनना है। खुशबू अच्छी आ रही है। फिर चने की दाल, तो इसी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका मसाला अच्छी तरह इसमें मिल जाए। अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, पानी इतना डालना है कि दाल अच्छी तरह से पक जाए। फिर नमक स्वाद अनुसार नमक डालना है। फिर इसमें 4-5 सीटी लगाना है इसको। दाल अब हमारी एकदम पक गई है। इसमें ये ध्यान रखना है कि पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी रहेगा तब दाल एकदम गीली बन जाएगी, फिर पराठा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इसको हमको अच्छी तरह से पकाना है। 1 सीटी आने पर फिर गैस धीम कर देंगे, फिर धीरे धीरे ये पकता रहेगा 4-5 सीटी तक। फिर दाल एकदम तैयार हो गया है। अब इसको इसी में कुकर में ही इसको ऐसे मिलाऊंगी अच्छी तरह से। अब ये इसको 10 मिनट तक हम ठंडा करेंगे, फिर इसका पराठा बनाऊंगे। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने आटा गूंथ लिया था। इसका आटा मुलायम थोड़ा गूंथना है। फिर दाल हमारी ठंडी हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती मिलाऊंगी,
जैसे आलू का पराठा हम बनाते हैं उसी तरह से इसको आटा में भर के तो इसका पराठा बनाऊंगी। अब आटा की लोई थोड़ा थोड़ा पीस में लेना है हमको, फिर इसी तरह से इसको बनाना है। थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से बेलना है, फिर इसमें इस तरह से करके दाल को इसी के अंदर भरना है। तो हमने दाल को भर दिया है इसी तरह से, फिर इसको चारों तरफ से ऐसे इसको भरना है। अच्छी तरह से शेप देकर इसको हल्के हाथ से इसको धीरे धीरे दबाना है। फिर हल्के हाथ से बेलन को घुमाना है चारों तरफ से ताकि ये फटे ना। इसको इसी तरह से हल्के हल्के करके बेलना। अब पराठे को धीरे धीरे पलटना है इसको, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल लगाना है। इसको तेल को धीरे धीरे चारों तरफ घुमाना है ताकि सब में ये अच्छी तरह से लग जाए। अब इसको धीमी आंच पर एकदम करारा होने तक हमको सेकना है और पराठे को धीरे धीरे करके इसी तरह से पलटते रहना है। चने का दाल का पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसको आप चाहे अचार के साथ खाइए, चाहे सब्जी के साथ खाइए, सब में टेस्टी और सेहत के लिए भरपूर है ये। इसको आप अपने घर में बनाइए और हमको लिख के बताइए कि ये कैसे बना है। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।